भोपाल से बताते हैं, जिस वक्त मिल रही कांग्रेस की मध्य प्रदेश की कुछ सीटों का आज ऐलान हो सकता है। कांग्रेस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज है। मध्य प्रदेश की कुछ और सीटों की यहां पर आज घोषणा हो सकती है। सीधी से अजय सिंह, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम बताए जाते हैं। खरगोन से अरुण यादव, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और दमोह से रामकृष्ण कुसमारिया के नामों का आज ऐलान हो सकता है। ये वो संभावित नाम है जो स्वराज एक्सप्रेस लगातार आपको बताता आ रहा है। और आज जो आने वाली कांग्रेस की लिस्ट है, इनमें इन नामों पर मोहर लग सकती है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पहले दिग्विजय सिंह के भोपाल से चुनाव लड़ने की बात को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी उसमें भी मोहर लगी, और उस खबर में भी मोहर लगी थी जब कांग्रेस की सूची आई थी। दिग्विजय को भी मैदान से कांग्रेस पार्टी ने भोपाल से उतारा। तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की कुछ सीटों का ऐलान हो सकता है। निर्मल सिंह बैस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्मल, एक और लिस्ट आ सकती है जो संभावित नाम हम बता रहे हैं, इन पर मोहर लगने की संभावना? दिन भले ही रंगपंचमी का हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीटों को लेकर जो माथापच्ची है वो जो है उनकी चुनाव समिति की बैठक में जारी है। और लोकसभा चुनाव के महत्व को देखते हुए आपने देखा होगा कि बड़े नेता जो है रंगपंचमी होली को पड़े रंग जो है चुनावी गणित चुनावी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे, निश्चित तौर पर आज ऐसी संभावना है कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटों की घोषणा हो सकती है। सीधी से अजय सिंह का नाम जो है प्रमुखता से इस समय लिया जा रहा है। साथ ही रीवा के सिद्धार्थ तिवारी हाल ही में दिवंगत हुए बीजेपी कांग्रेस के पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के पुत्र हैं। सुंदरलाल तिवारी विधानसभा का चुनाव हार गए थे और लोकसभा का चुनाव चाह रहे थे, वो टिकट चाह रहे थे, और उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो सहानुभूति के वोट हैं सिद्धार्थ तिवारी यानी कि श्रीनिवास तिवारी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल तक उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को संभाला है, विधि के शेयर के नाम से परिचित है, उनके पोते कहलाएंगे सिद्धार्थ तिवारी, उनका नाम यहां पर प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो रीवा से सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारा जा सकता है। ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे जो है खुद व्यक्तिगत तौर पर तो इस बात से इनकार करती रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने गुना और ग्वालियर संसदीय क्षेत्रों में अपनी सक्रियता पिछले दिनों बनाए रखी, खासकर अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया की उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, तो ग्वालियर और गुना दोनों जगह पर जो है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अपनी सक्रियता बनाए रखी। तो ऐसी उम्मीद मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी नजर आ रही है। जिताऊ कैंडिडेट अगर उसे नजर आ रहा है तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसको न उतारा जाए, लिहाजा प्रियदर्शनी राजे का ग्वालियर से नाम यहाँ आगे बढ़ रहा है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी स्थायी सीट से चुनाव लड़ेंगे। खरगोन से अरुण यादव जो कि पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके पिछले चुनाव की अगर बात करें तो उन्होंने नंद कुमार चौहान को शिकस्त दी थी, तो खरगोन से अरुण यादव एक बार फिर नंद कुमार चौहान जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं उनको टक्कर दे सकते हैं। और जैसे कि सब जानते हैं छिंदवाड़ा से नकुलनाथ मैदान में उतर रहे हैं, उनके नाम की जो औपचारिकता मात्र है उनके नाम का ऐलान होना, तो आज ऐसा माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ भी कांग्रेस की सूची में शामिल होंगे। और दमोह से अगर बात करें तो दमोह और पथरिया दो विधानसभा क्षेत्रों में रामकृष्ण कुसमारिया जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, 3 बार के सांसद 4 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने जो है बीजेपी को खासा डैमेज किया था विधानसभा चुनाव में, और उन्हीं की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि दमोह और पथरिया की सीटें बीजेपी हो चुकी है। लिहाजा अभी हाल ही में आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे तो मंच से जो है उनके सामने रामकृष्ण कुसमारिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई थी, तो कांग्रेस की में सम्मान पाके कुसमारिया जो है कहीं ना कहीं इस समय प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और अब जबकि दमोह से उनको टिकट, ठीक है, कुछ और इंतजार, फिर जब ये लिस्ट जारी होगी तो हम लगातार चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर पे अपडेट देंगे। बहरहाल निर्मल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।